में हर कंजक्टिव टर्म्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है. ज्योमेट्रिक सीरीज में कॉमन रेशियो हर कंजक्टिव टर्म के अंदर सेम होगा और हार्मोनिक सीरीज जो होती है वो हमारे पास जो अरिथमेटिक सीरीज होती है उसकी रेसिप्रोकल फॉर्म में मौजूद होती है. सो इन सीरीज को सॉल्व करने के लिए हमने कुछ कंडीशंस जो थी वो 11.1 या 11.2 के अंदर यूज की. 11.2 में हमने ज्यादातर यूज की. उसके साथ साथ हमने देखा कि अगर सीरीज हमारी किसी स्पेसिफिक फार्मूले से सॉल्व नहीं होती तो फिर हमने जैसा कि एक सीरीज हमें इसका कि समेशन की फॉर्म में नजर आई थी जिसपे हमने पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन का मेथड अप्लाई किया. उसके बाद हमारी एक और सीरीज थी जिसपे हमने इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन जो है वो अप्लाई की और फिर उसको सॉल्व किया. जैसा कि ये हमें एक हार्मोनिक सीरीज नजर आ रही थी जो कि इनइक्वालिटीज की डेफिनेशन लगा के हमने सॉल्व की थी. इसी तरह हमारी जो प्रीवियस सीरीज थी उस पर पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन लगाया. लेकिन स्टिल प्रॉब्लम ये था कि कुछ सीरीज हमारी ऐसी मौजूद हैं जो कि इनमें से किसी भी मेथड के साथ सॉल्व नहीं होती थी. फिर उन सीरीज को सॉल्व करने के लिए उन पे इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई किए गए. मींस जिस भी सीरीज को हमने डिस्कस करना वो सीरीज डेफिनेट एक फंक्शन ही होता है. जैसा कि अगर आप 1/n² को लो, n में अगर हम x रिप्लेस कर देते हैं तो ये 1/x² बन जाता है. हमने पीछे जो इंटेग्रल सॉल्व किए थे वो प्रॉपर और इम्प्रॉपर इंटेग्रल्स जो है वो हमने इस टाइप के सॉल्व किए थे. तो हम सीरीज का रिजल्ट जो है वो इंटेग्रल की बेस पे देंगे. इंटेग्रल टेस्ट अप्लाई करेंगे, उस फंक्शन का इंटेग्रल फाइंड आउट करेंगे. अगर हमारा इंटेग्रल जो है वो कन्वर्ज या डिवर्ज कर जाए उसी बेस पे हम अपनी सीरीज का रिजल्ट दे देंगे कि ये भी कन्वर्ज करती है या डिवर्ज करती है. सो देखते हैं कि हमारे पास इंटेग्रल टेस्ट क्या है. लेकिन यहाँ पे एस्टिमेट्स ऑफ सम्स के जो हम एस्टिमेट्स करने हैं वो इंटेग्रल बेस के ऊपर हमारे डिपेंड करेंगे इन जनरल. क्योंकि इंटेग्रल्स में हम एस्टिमेशन ही लगाते थे, हम रेक्टेंगल्स ड्रा करते थे कर्व की बिलो फॉर्म में या फिर हमारे रेक्टेंगल्स जो हैं कर्व की अबव फॉर्म में ड्रा होती थी और हम अपने इंटेग्रल्स को एस्टिमेट करते थे. सो जैसे ही हम अपने इंटेग्रल्स को एस्टिमेट करेंगे उसी बेस पे हम अपनी जो सीरीज है उसकी एस्टिमेशन जो है वो दे देंगे. इन जनरल इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड द एग्जैक्ट सम ऑफ द सीरीज. सीरीज का जो एग्जैक्ट सम फाइंड करना है वो थोड़ा डिफिकल्ट है. वी वर एबल टू अकॉम्प्लिश दिस फॉर ज्योमेट्रिक सीरीज एंड द सीरीज समेशन 1/n(n+1) बिकॉज इन ईच ऑफ दोस केसेस वी कुड फाइंड अ सिंपल फार्मूला फॉर द nth पार्शियल सम Sn. उसने कहा कि हम कुछ हद तक कामयाब था कि हम अपनी ज्योमेट्रिक सीरीज को सॉल्व करते या इस टाइप की जो हमारी सीरीज थी जिसपे हमने nth पार्शियल सम का जो है वो फार्मूला अप्लाई किया. बट यूजली इट इज नॉट इजी टू डिस्कवर सच अ फार्मूला. लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हम इस टाइप का फार्मूला जो है उसको डिस्कवर कर लें. जैसा कि यहाँ तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन डीकम्पोजिशन का फार्मूला मिल गया था. लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे पास ऐसे फार्मूले मौजूद हों जो हमारी सीरीज को फौरन से सॉल्व कर दें. And therefore, in the next few sections, we develop several tests that enable us to determine whether a series is convergent or divergent. हम different tests जो हैं वो लगाएंगे और फिर देखेंगे कि हमारी series जो है वो converge करती है या diverge करती है without explicitly finding its sum. इसके sum को find out किए बगैर integral test की base पे ही हम अपना result जो है वो दे देंगे. अच्छा जी, we begin by investigating the series whose terms are the reciprocals of the squares of the positive integers. हम ऐसी सीरीज से स्टार्ट करते हैं जिसकी जो टर्म्स है वो क्या है, रेसिप्रोकल है ऑफ द स्केयर्स. स्केयर्स के रेसिप्रोकल्स हैं. सो सीरीज हमारे पास क्या है, n फ्रॉम 1 से इनफिनिट 1/n² एंड दिस सीरीज ओपन इन दिस फॉर्म. अदर इज नो सिंपल फार्मूला फॉर द सम. इस सम के लिए कोई सिंपल फार्मूला नहीं है फॉर द फर्स्ट n टर्म्स. फर्स्ट n टर्म्स को अगर हमने सम अप करना है तो कोई सिंपल फार्मूला नहीं है. बट द कंप्यूटर जनरेटेड टेबल of approximate values given in the margin suggest that the partial sums are approaching a number near 1.64 as n approaches to infinity.
लेकिन उसने कहा कि जब हमने कंप्यूटर अलजेब्रा सिस्टम जो है वो यूज किया है, तो हमें पता चल रहा है कि जब हम फर्स्ट फाइव टर्म्स लेते हैं, ये जो फर्स्ट फाइव टर्म्स है हमारी, आप जब इन फर्स्ट फाइव टर्म्स को ऐड करोगे तो आंसर आपका आता है 1.4636। उसके बाद कंप्यूटर जनरेटेड सिस्टम या कंप्यूटर जनरेटेड टेबल इसलिए यूज किया है कि एन को हम बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, एन को हम 5000 लेके जा रहे हैं। तो डेफिनेट जब आप फर्स्ट फाइव टर्म्स लेते हैं तो उनको तो ऐड करना थोड़ा आसान है, फर्स्ट 10 टर्म्स भी हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन जैसे ही हम 50 पे पहुंचते हैं, यू कैन सी दैट इट्स टू मच डिफिकल्ट। ये फिर हमारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट आ जाते हैं, जैसे कि स्टैट के अंदर भी डिस्कस होते हैं, हमारा डाटा जो है जब 50 को अप्रोच कर जाता है तो फिर हम उस पर कोई ना कोई टेस्ट लगाते हैं। तो इसी तरह हमारा ये जो डाटा है 5-10 तक तो हमारे लिए काउंटेबल था, लेकिन 50 एन को 100 ले लें, फर्स्ट 500 टर्म्स को आपने जब ऐड करना है, या 1000 टर्म्स को, या 5000 टर्म्स को जब आपने ऐड करना है, तो इट्स टू मच डिफिकल्ट। उसके लिए हम फिर कंप्यूटर सिस्टम जो है वो यूज करते हैं। जब फर्स्ट 50 टर्म्स को ऐड करते हैं तो 1.62 है, और जैसे जैसे हम अपने एन को इन्फिनिट को अप्रोच करवाते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास जो पार्शियल सम है वो तकरीबन 1.64 को अप्रोच कर रहा है, दैट इज लेस देन 2। हम कह सकते हैं कि हमारी सीरीज अगर कन्वर्ज करती है तो वो लेस देन 2 है। ये तकरीबन अप्रोक्सीमेट रिजल्ट है हमारा, क्योंकि अगर 1.5 तक रहे तो फिर तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास 1.5 है। अगर 1.5 से आप एक्सीड कर जाते हो तो तकरीबन हम 2 को अप्रोच करते हैं, और अगर 1.5 से आप बिलो रहते हो तो हम 1 को ही अप्रोच कर रहे होते हैं। ये डेफिनेशन आपने सारे डिस्कस किए होंगे। ओके, सो जैसे ही हम पार्शियल सम्स में एन को इन्फिनिट को अप्रोच करवाते हैं, हम देखते हैं कि हमारा पार्शियल सम जो है वो 1.64 के तकरीबन नजदीक हो जाता है, या 1.64 को अप्रोच कर जाता है। एंड सो इट्स लुक एज इफ द सीरीज इज कन्वर्जेंट, हमें ये नजर आता है कि यहाँ से कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर जाती है। वी कैन कन्फर्म दिस सप्रेशन विद ज्योमेट्रिक आर्गुमेंट, इसको हम ज्योमेट्रिक आर्गुमेंट के साथ कन्फर्म करते हैं। फिगर 1 शोज द कर्व y इज इक्वल टू 1/x के, क्योंकि हमने इस सीरीज के ऊपर एक इंटीग्रल टेस्ट अप्लाई करना, तो हम इंटीग्रेशन की तरफ जाना चाह रहे हैं। इंटीग्रेशन के लिए हम अपनी सीरीज जो है उसको फंक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 1/x2, फिर इसके ऊपर हम रेक्टेंगल्स की वही डेफिनेशन लगाते हैं जो 5 चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस की थी, y इक्वल टू 1/x2 एंड रेक्टेंगल्स दैट लाई बिलो द कर्व। फिर हम इसके ऊपर रेक्टेंगल्स ड्रा करते हैं और उन रेक्टेंगल्स के हम राइट एंड पॉइंट्स को डिस्कस करें, हमारा जो राइट पॉइंट है वो रेक्टेंगल को टच कर रहा है। And the rectangles that lie below the curve, और उन rectangles को discuss करेंगे जो below the curve हैं। The base of each rectangle is an interval of length 1. हर rectangle की जो base है वो हमारे पास 1 है, क्योंकि 2-1 1 है, 3-2 1 है, 4-3 1 है, 5-4 जो है वो 1 है। The height is equal to the value of the function y is equal to x square, और हर rectangle की जो height है वो हमारे पास क्या है, इस function की value है at the right end point of the interval. 1 के ऊपर value, 2 के ऊपर value, 3 के ऊपर वैल्यू, 1 के ऊपर अगर वैल्यू है तो 1/1, 2 के ऊपर वैल्यू है तो 1/2, 3 के ऊपर वैल्यू है तो 1/3, एंड अप टू सो ऑन। सो द सम ऑफ द एरियाज ऑफ रेक्टेंगल इज, अगर हम रेक्टेंगल्स के एरियाज का सम अप करें तो वो हमारे पास क्या बनता है, 1/1² + 1/2² + 1/3² + 1/4² + up to so on 1/n² हमारे पास बन जाता है। तो ये बेसिकली हमारी सीरीज टाइप ही बन जाती है। इफ वी एक्सक्लूड द फर्स्ट रेक्टेंगल, अगर हम फर्स्ट रेक्टेंगल जो है उसको एक्सक्लूड कर दें, उसको शामिल ना करें, द टोटल एरिया ऑफ द रिमेनिंग रेक्टेंगल्स, फिर जो बाकी रेक्टेंगल्स हैं, ये सारी की सारी रेक्टेंगल्स हैं, उनका जो एरिया है वो स्मॉलर देन द एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू 1/x² फॉर x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डिस्कस करें, या 1 से ग्रेटर वैल्यूज के लिए डिस्कस करें, तो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ रिमेनिंग रेक्टेंगल्स का जो एरिया है वो हमारी कर्व के एरिया से क्या है, वो हमारे कर्व के एरिया से स्मॉल है। सो द टोटल एरिया ऑफ द रिमेनिंग रेक्टेंगल्स, जितने भी बाकी रेक्टेंगल सारी हम डिस्कस कर रहे हैं, इनका जो एरिया है वो हमारी कर्व के एरिया से क्या है, स्मॉलर है, फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जब एक्स को हम 1 डिस्कस कर रहे हैं, या 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए डिस्कस कर रहे हैं। विच इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, जो कि अगर ये स्मॉलर देन है तो हमारे पास क्या है, विच इज द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल, अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो रेक्टेंगल्स हैं इनका एरिया हमारी कर्व के एरिया से लेस है, तो बेसिकली हमारी कर्व का एरिया क्या है, वो क्या था, वो हमारे पास एक इंटीग्रल था 1 से इनफिनिट पे 1/x² dx, विच इज द
integral, value of the integral 1 to infinite 1 over x square dx. In section 7.8 we discovered that this improper integral is convergent. 7.8 में हमने इस integral को solve किया था और बताया था कि ये converge करता है and has value 1 और इसकी value जो है वो हमारे पास 1 है. So the picture shows that the partial sums are less than. फिर हमारी जो picture है वो हमें क्या बताती है कि जो partial sums हैं वो less than है 2 से, क्योंकि हमने पहले रेक्टेंगल एक्सक्लूड कर दी थी ना, बाकी रेक्टेंगल्स का एरिया जो है इंटीग्रल की बेस पे हमने फाइंड आउट किया था. तो इनका आंसर हमारे पास 1 है, उसमें 1 को ऐड करें तो ये आपके पास क्या बन जाता है, 2 बन जाता है. और यही हम बताना चाह रहे थे कि हमारे पास जो पार्शियल सम्स हैं वो बेसिकली क्या है, लेस देन है 2 से. 1.64 तक अप्रोच कर रहे थे ना, अगर लेस देन 2 से है तो इट मीन्स वो हमारे पास कन्वर्ज करते हैं और कन्वर्जेंट पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 है. Thus the partial sums are bounded. अब ये जो partial sums हमने लिए हैं ये हमारे पास क्या है, bounded है, क्योंकि converge कर रहे हैं. We also know that the partial sums are increasing. हम ये भी देखते हैं कि हमारे partial sums जो है वो increase हो रहे हैं because all the terms are positive. सारी की सारी terms जो है वो positive हैं. Therefore the partial sum converge. अगर bounded भी हैं, increases भी हैं, तो हमने पीछे एक result पढ़ा था कि अगर कोई हमारे पास सम जो है वो बाउंड भी हो और इंक्रीजिंग फॉर्म में भी जा रहा हो तो वो हमेशा कन्वर्ज करता है बाय द मोनोटोनिक सीक्वेंस थ्योरम. एंड सो द सीरीज इज कन्वर्जेंट. फिर हम कह सकते हैं कि हमारी सीरीज जो है वो अगर बाउंडेड भी है, इंक्रीजिंग फॉर्म में भी है और पार्शियल सम बेसिकली कन्वर्ज कर रहे हैं, तो पार्शियल सम की बेस पे ही हमारी सीरीज होती है, तो सीरीज कन्वर्ज कर जाती है. द सम ऑफ द सीरीज, द लिमिट ऑफ द पार्शियल सम इज आल्सो लेस देन 2. तो सीरीज का सम जो है वो भी हमारे पास फिर क्या होगा, लेस देन 2 होगा. यही पूरी कंडीशन जो है वो हमने एग्जांपल नंबर 1 के अंदर डिस्कस करनी थी. बेसिकली ये एग्जांपल आपको अगर हम इसको वर्बली डिस्कस करें तो बहुत लेंथी लग रही होगी, लेकिन सिर्फ इसको अगर वर्डिंग में देखें तो आपने काम छोटा सा किया है कि हमारे पास एक सीरीज थी, टेबल की वैल्यूज पे हमने उसको देखा. जब एन को हमने बहुत ज्यादा इंक्रीज किया तो हमारी सीरीज तकरीबन 1.64 को अप्रोच कर रही है. अब हमें नजर तो आ गया कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्ज करती है, 1.64 को अप्रोच कर रही है जब एन इनफिनिट को अप्रोच करता है, लेकिन इंटीग्रल टेस्ट इस पे अप्लाई करना था. तो इंटीग्रल टेस्ट के मुताबिक हमने अपनी सीरीज को क्या किया, फंक्शन में कन्वर्ट किया. जब आपने इसको फंक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर दिया तो फिर रेक्टेंगल बेस पे हमने कहा कि हमारे पास जो रेक्टेंगल्स का एरिया है वो हमारी कर्व के एरिया से लेस है, दैट इज दिस. और अगर कर्व के एरिया से लेस है तो कर्व का एरिया जो हमने फाइंड आउट किया है वो 1 से इन्फिनिट इंटीग्रल के ऊपर फाइंड किया था. तो हमने सिर्फ उस 1 से इन्फिनिट इंटीग्रल के लिए अपनी जो पहली रेक्टेंगल है इसको एक्सप्लोर कर दिया था और फिर देखा था कि हमारे पास जो पार्शियल सम है वो बेसिकली क्या आ रहा है, वो लेस देन है 2 से. पार्शियल सम हमारे पास क्या है, वो लेस देन है 2 से. अगर लेस देन 2 है तो पार्शियल सम आपका क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है. अगर ये पार्शियल सम जो है वो आपके पास कन्वर्ज करता है तो सीरीज जो है वो बेसिकली क्या कर जाएगी, आपकी कन्वर्ज कर जाएगी, क्योंकि वो बाउंडेड भी है और इंक्रीजिंग फॉर्म में भी जा रही है. तो मोनोटोनिक सीक्वेंस थ्योरम जो है वो आपको बता देगा कि आपकी सीरीज बेसिकली क्या है, कन्वर्ज करती है. इसी तरह अगर कोई भी आपने सीरीज डिस्कस करनी है तो सीरीज का आपने इंटीग्रल डिस्कस करना है. अगर तो वो इंटीग्रल कन्वर्ज कर रहा होगा तो सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी. अगर आपका इंटीग्रल जो है वो डिवर्जेंट फॉर्म में होगा तो आपकी सीरीज जो है वो डिवर्ज कर जाएगी. अगेन हमारे पास इसी तरह की एक सीरीज है जिसको हमने डिस्कस किया है 1/n. अगेन इसमें जब हमने पार्शियल सम्स डिस्कस किए हैं तो हम देख सकते हैं कि हमने जब पार्शियल सम में 5 tan लिया तो हमारी सीरीज किसी भी खास स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर कन्वर्ज नहीं कर रही. कभी 12 आ रहा है तो कभी 18 आ रहा है, कभी 43, 61, गैप बहुत ज्यादा है, जबकि वहां पे गैप हमारा तकरीबन सेम होना शुरू हो गया था. तो यहीं से हमें नजर आ गया है कि ये सीरीज हमारी कन्वर्ज नहीं कर रही. अगेन इस सीरीज के लिए हमने इंटीग्रल लिया, उसके ऊपर हमने रेक्टेंगल्स ड्रा की हैं. पहले हमने राइट हैंड पॉइंट लिया था, हम लेफ्ट हैंड पॉइंट से उसको डिस्कस कर रहे हैं. लेफ्ट हैंड पॉइंट से जब आप इसको डिस्कस करते हैं तो 1 से इन्फिनिट पे आपका जो इंटीग्रल है ये अगेन हमने 7.8 के अंदर सॉल्व किया था. और वहां पे यह जैसा कि आपको नजर आ रहा है, वहां पे जब इस इंटीग्रल को सॉल्व किया था तो ये इंटीग्रल हमारे लिए सॉल्वेबल नहीं था, डिवर्जेंट फॉर्म में था. अगर ये डिवर्जेंट फॉर्म में है तो इट मीन्स हमारी ये जो सीरीज है ये भी क्या कर जाती है, डिवर्ज कर जाती है. अब अगर ये दो रिजल्ट हम दे देते हैं तो इस बेस पे हम इंटीग्रल टेस्ट जो है वो लगा देते हैं. सिंपली हम कहते हैं कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, पॉजिटिव हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो. अब आपने ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है कि आपका फंक्शन कब कॉन्टिन्यूस होता है, ये तो हमने एक लेंथी सा प्रोसेस बहुत सारी डेफिनेशन के साथ दिया, लेकिन उसी को हम सम अप कर रहे हैं.
तो आपका बेसिक काम यह है कि आपने इस पे फोकस करना है, ये आपको क्या बता रहा है फंक्शन। अगर आपका कॉन्टिन्यूस है, कॉन्टिन्यूटी पड़ी हुई है किसी भी फंक्शन की, कब होता है किसी पॉइंट के ऊपर, अगर आप कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं या किसी इंटरवल के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, तो इट मीन्स इंटरवल के हर पॉइंट पे फंक्शन का कॉन्टिन्यूस होना जरूरी है। इट सेल्फ फंक्शन की उस पॉइंट के ऊपर वैल्यू एग्जिस्ट करती हो, लिमिटिंग वैल्यू भी एग्जिस्ट करती हो और दोनों इक्वल भी हो। पॉजिटिव फंक्शन का मतलब होता है कि जिस भी फंक्शन को आप डिस्कस कर रहे हैं वो अबव द एक्स एक्सिस होगा तो पॉजिटिव होता है, बिलो द एक्स एक्सिस होगा हमारा फंक्शन तो वो नेगेटिव हो जाता है। डिक्रीजिंग फंक्शन भी आपने पढ़े हैं कि अगर कोई भी फंक्शन होता है, एक तो आपने उसको ग्राफिकल अप्रोच के साथ डिस्कस किया था कि कोई भी फंक्शन डिक्रीज कब होता है, अगर अबव से बिलो फॉर्म में आ रहा हो तो वो डिक्रीज होता है। मीन ए से बी तक जाते हुए अगर फंक्शन की ग्राफिकल अप्रोच बिलो फॉर्म में आ रही है डिक्रीज है। दूसरी आपने 4.3 के अंदर डिक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ी थी कि अगर कोई भी फंक्शन हो आप उस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लें और डेरिवेटिव अगर आपका नेगेटिव हो जाता है तो फिर हमारा फंक्शन या डेरिवेटिव जो है वो लेस देन जीरो हो जाए तो हमेशा फंक्शन डिक्रीजिंग फॉर्म में होता है। पढ़े हुए ना ये तीनों कंडीशन आपने। सो यस फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूस हो, पॉजिटिव हो, डिक्रीजिंग फंक्शन हो, ऑन इंटरवल 1 टू इनफिनिट, पॉजिटिव इनफिनिट, पॉजिटिव इंटरवल के ऊपर हम इसको डिस्कस करते हैं 1 से इनफिनिट के ऊपर। एंड लेट ए एन एफ ऑफ एन जो हमारा टर्म है उसको हम फंक्शन की फॉर्म में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ सीरीज में हम टर्म्स को डिस्कस करते हैं, फंक्शन में हम एफ को डिस्कस करते हैं। एंड लेट हम सपोज कर लेते हैं कि जो हमारी टर्म्स हैं वो फंक्शन टाइप्स की हैं। क्यों फंक्शन टाइप्स की हैं? क्योंकि हमने इसके ऊपर इंटेग्रल अप्लाई करना है। देन द सीरीज, अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, पॉजिटिव हो, डिक्रीजिंग हो अपने इंटरवल 1 से इन्फिनिट के ऊपर और ए एन एफ ऑफ एन हो, देन द सीरीज इज कन्वर्जेंट, सीरीज कन्वर्ज कर जाएगी इफ एंड ओनली इफ द इंप्रॉपर इंटेग्रल इज कन्वर्जेंट, 1 से इन्फिनिट इंप्रॉपर इंटेग्रल जो है वो कन्वर्ज कर जाए। इन अदर वर्ड्स बहुत सिंपल वर्डिंग में देखें तो अगर 1 से इन्फिनिट इंटेग्रल कन्वर्ज करेगा तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर इंटेग्रल हमारा डिवर्जेंट फॉर्म में होगा तो सीरीज जो है वो भी डिवर्जेंट फॉर्म में होगी। अगेन एक छोटा सा नोट है, व्हेन वी यूज द इंटेग्रल टेस्ट इट इज नॉट नेसेसरी टू स्टार्ट द सीरीज ऑफ द इंटेग्रल एट एन इक्वल टू 1, फॉर इंस्टेंस इन टेस्टिंग द सीरीज। ये जब इंटेग्रल टेस्ट आपने यूज करना है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा आपकी सीरीज जो है वो 1 से ही स्टार्ट हो, ये किसी भी पॉजिटिव नंबर से आगे जाकर स्टार्ट हो सकती है, जैसा कि आपने पीछे एक n is equal to 4 के साथ डिस्कस की थी सीरीज, फिर हमारा इंटेग्रल जो है उसको भी हम n is equal to 4 के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो ये पॉजिटिव टर्म जरूरी नहीं है 1 से हो, 1 से आगे जाके भी किसी पॉजिटिव टर्म के साथ आपकी सीरीज जो है वो स्टार्ट हो सकती है। तो अगर सीरीज किसी नेक्स्ट पॉजिटिव टर्म के साथ स्टार्ट होगी तो आपने इंटेग्रल भी उसी नेक्स्ट पॉजिटिव टर्म के साथ डिस्कस करना है। एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 आपके पास है। अब इतना अगर आपने चीज डिस्कस कर ली है तो आप दोनों इजीली कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 भी कर सकते हैं। तीनों एग्जाम्पल जरा कर लें और कोई क्वेश्चन है तो फिर वो आप पूछ लें। ये आपने ध्यान में रखना कि जब आप सीरीज की कन्वर्जेंस या डिवर्जेंस चेक कर रहे हैं तो उस सीरीज को आपने फंक्शन में कन्वर्ट करके फिर उसकी डिवर्जेंस चेक करेंगे। ये कन्वर्जेंस एक और बात भी मुझे बतानी थोड़ी सी भूल गई है, ये ध्यान में रखना है कि हम इसलिए इनको 1 से इनफिनिट पॉजिटिव इंटरवल्स के ऊपर डिस्कस करते हैं कि हम अपनी सीरीज जो है वो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं ना, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ तो नहीं ना जाते। तो इसलिए हम अपने जो इंटेग्रल टेस्ट है वो हमेशा 1 से स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज के साथ स्टार्ट करते हैं।